सो हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। मेनली आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कि स्लैट का जो एग्ज़ाम हो चुका है, 3 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ है वो कैसा था, उसके रिव्यूज़ क्या हैं, पहला सेक्शन वाइज क्या क्या टफ था, क्या ईजी था, कट ऑफ क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है, एग्ज़ाम होने के बाद पेपर कैसा था नहीं था उससे बहुत कम फर्क पड़ता है, क्योंकि यू कैंट चेंज ना, उसी से ज़्यादा फर्क पड़ता है कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट रिव्यू। ठीक है, फर्स्ट थिंग, ओवरऑल पेपर ईजी टू मॉडरेट था, मॉडरेट हम कह सकते हैं, कुछ सेक्शन थोड़े बच्चों को लगे टेक्निकल बट मोर लेस डुएबल थे सारे। फर्स्ट थिंग लेट्स स्टार्ट विद लीगल, लीगल में सारे प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन आए थे तो ये पूरा बहुत अच्छे से डुएबल था, तो इस सेक्शन को ईजी से मॉडरेट वाले डिफिकल्टी लेवल पर रखते हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के कुछ क्वेश्चन थे, यू नो क्रिमिनल लॉ के काफ़ी क्वेश्चन थे, ये चीज़ से मिल के बना हुआ था आपका लीगल वाला पार्ट। सेकेंड इज जी के, मॉडरेट कहेंगे, मेजोरिटी क्वेश्चन स्टैटिक के थे, कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के भी थे और मेनली 12-12 क्वेश्चन ही थे, तो कोई उसमें ज़्यादा किसी वाइज सेक्शन वाइज चेंज नहीं आया था। थर्ड, इंग्लिश को इजी से मॉडरेट के उसमें रखेंगे, 3 पैसेज मेनली आए थे, 12 क्वेश्चन का था, 12 तो 3 पैसे आए थे, 4-4 क्वेश्चन एक हर पैसेज से, और मेरे लीगल करंट अफेयर से बेस्ड था, पॉस्को वाला एक आया था एंड सेकेंड वन थोड़ा हाई कोर्ट का जो रिक्रूटमेंट को लेकर था वो उन्होंने पूछा था इसमें। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, लॉजिकल रीजनिंग ईजी से मॉडरेट था, बट लॉजिकल रीजनिंग में मेनली पूरा एनालिटिकल भरा रखा था, तो आउट ऑफ द 12 क्वेश्चन 80% पार्ट एनालिटिकल रीजनिंग का था, और एनालिटिकल रीजनिंग के कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, कैलेंडर था, डायरेक्शन था, ये सारे क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए थे। क्लियर है, नाउ कम टू द एनालिटिकल वाला पार्ट, सरप्राइजिंगली एनालिटिकल वाले पार्ट में सारे क्वेश्चन मैथ्स के थे, जैसे इसको हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस पूछा था, स्पीड एंड डिस्टेंस, स्पीड टाइम डिस्टेंस पूछा था, तो ये सारे क्वेश्चन जो कोर मैथ्स के टॉपिक है ना, इसको एलिमेंट्री मैथ्स कहते हैं, वो उन्होंने पूछा था। एक चीज़ तो बहुत ही क्लियर है कि पेपर कैसा था, अब देयर वर स्टूडेंट जिन्हें ये लेंदी लगा, देयर वर सम स्टूडेंट, बट मेनली अगर मैं कहूँ मैनेजिंग द टाइम विथ एक्यूरेसी वॉज द की फॉर दिस पेपर। चले, ये हो गया रिव्यू वाला पार्ट, लेट्स कम टू द मेन कट ऑफ वाला पार्ट, क्योंकि हमें उससे बहुत ज़्यादा पक होता है। मैंने कहीं ग्रुप पे देखा था किसी ने, तो सिम्बायोसिस पुणे का CMP के जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, तो एक कॉमन ग्रुप है जिसमें 8,000 कुछ मेंबर्स हैं, उसके बाद सारे जैसे लेट आप लिख रहे हैं या एलिट लिख रहे हैं, जो भी एग्जाम आप लिख रहे हैं, आगे 3 एग्जाम बचे हैं मेनली, एग्जाम और बाकी काउंसलिंग जो आपके ग्रुप काम के आएंगे, तो एक तो स्लेट वाला ग्रुप है, नीचे उसका लिंक दिया है, क्योंकि आगे की सारी कन्वर्सेशन क्या क्या इंटरव्यू में आ रहा है, क्या ड्रेस कोड पहन के जाना है, क्या वेट है, क्या CV, सारा कुछ उसी में आएगा, नीचे मैंने लिंक दिया, उसको आप ज्वाइन कर लो। अब आप में से कुछ बच्चों ने निरमा का फॉर्म भरा होगा, निरमा की काउंसलिंग कैसे होगी, फर्स्ट लिस्ट कब आएगी, 8 तारीख तक लास्ट डेट है, उसका ग्रुप दिया हुआ है, सारे ग्रुप, लॉयड का फॉर्म आपने भरा होगा, लॉयड के नीचे दिया है, जी डी गोइंका का फॉर्म आपने भरा होगा, उसका ग्रुप हमने नीचे दिया, तो कोई भी जो एग्जाम, जैसे अभी MLE नागपुर का एजुकेशन कोर्स का एक फॉर्म आना बाकी है, उसका ग्रुप है, कुछ बच्चे LSAT दिए हैं उसका ग्रुप है, तो सारे ग्रुप भी क्रिएटेड सो दैट वहाँ पर स्पेसिफिक कन्वर्सेशन हो पाए। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चे, क्योंकि आई ओनली सजेस्टेड कि आपको मार्क करना चाहिए NI स्पॉन्सर्ड का, बहुत सारे बच्चों ने मार्क किया है, NI स्पॉन्सर्ड की रैंक आ चुकी है, उस रैंक से क्या करना है, उसके लिए सेपरेट ग्रुप है, NI स्पॉन्सर्ड वाला ग्रुप, अंकित फ्रॉम LIU उड़ीसा इज अ मेंटर देयर, आस्क ऑल योर क्वेरी देयर, वहाँ पर ऑलरेडी NHS कोलकाता का, NHS जोधपुर के ऑलरेडी फॉर्म्स बाहर हैं NI स्पॉन्सर्ड से, और जैसा मैंने बताया था 1700-1800 रैंक तक आपको NLE जोधपुर मिला था, NLI भोपाल तो मैं कल ही देख रहा था 10,000 से 11,000 रैंक तक मिला हुआ था, और नीचे के टीयर सोनी और सारे कॉलेजेस भी नीचे रैंक तक मिल जाते हैं, जैसे 35,000 रैंक तक भी DCNL मिल गया था, 45,000 पर DCNL मिला था, तो अगर आपका मन है कि मैं NLU ही जाऊँ, भले NLU स्पॉन्सर से जाऊँ, भले फीस 2x या 3x लगे, तो NLU स्पॉन्सर से गुड ऑप्शन। लेट्स कम टू द कट ऑफ नाउ। ओके, सिम्बायोसिस पुणे का कट ऑफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे किसी ने भेजा था, तो कुछ बहुत रैंडम कट ऑफ्स आए हैं, उनको भरोसा मत करना, कभी 57 नहीं जाने वाला कट ऑफ। ठीक है, एक मैं 58 था, फेंक दो सारे को, यही के अराउंड रहने वाला है, और पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी सेम था लाइक लास्ट ईयर, तो जो जो कट ऑफ होंगे उसी रेंज में होंगे जो लास्ट ईयर में थे। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट सिम्बायोसिस पुणे का क्या होने वाला है, BA का 42 मार्क्स, और ये कट ऑफ सिलेक्शन के नहीं होते हैं, आई रिपीट, ये मत सोचो कि भैया 42 आ गए मेरा SLS पुणे पक्का, नो, ये जो कट ऑफ होते हैं ये दीज आर द कट ऑफ फॉर योर इंटरव्यू, समझ गए, तो बिना इसके यू नो जस्ट अंडरस्टैंड, तो आपके इंटरव्यू वाले कट ऑफ है। ठीक है ना, तो इससे इंटरव्यू कॉल आ जाएगा, इसलिए तो ये 42 आपका SLS पुणे का रहेगा, BLLB 38 रहेगा आपका, BBLLB
ठीक है। नेक्स्ट नोएडा का कितना रहेगा, नोएडा का रहेगा 36 मार्क्स से ऊपर, और 34 मार्क्स रहेगा नोएडा का BBLLB का। थर्ड हैदराबाद का रहेगा BA का 33 मार्क्स और BBA का अराउंड 31 प्लस मार्क्स। लास्ट नागपुर का BA का रहेगा 30 प्लस और BBA का रहेगा 28 मार्क्स। यहाँ तक क्लियर है? एक चीज़ जो आपको जरूर समझनी चाहिए, अभी भी यहाँ पे काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने SLS पुणे एंड नोएडा का दोनों BA और BBA नहीं भरा है। आज ही मेरी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले कुछ बच्चों से बात हुई थी, प्लीज़ डू नॉट कमेंट दिस मिस्टेक, आप रिग्रेट करने वाले हैं। आपको फिर सी SLS पुणे और नोएडा में ना उतना ही अंतर है जो टीयर वन और टीयर टू एनएलयू में अंतर है। क्लियर है? SLS पुणे और नागपुर और हैदराबाद में उतना ही अंतर जो टीयर वन टीयर थ्री एनएलयू में अंतर है। अंडरस्टैंड दिस, दिस इज अ मेजर डिफरेंस ऑल्सो। तो डू फिल BA, क्योंकि सी BA और BBA के मिला के SLS पुणे की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से 400 और 500 सीट्स तो हैं, लास्ट इतने बच्चे तो एडमिट हुए थे। सेम नोएडा में होंगे 300 होंगे, 350 होंगे, 400 होंगे, तो 700-800 सीट पर हम क्लेम कर सकते हैं अगर हम दोनों का BA BBA भरें और नोएडा का भी BA BBA भरें। क्लियर है? ओके, यहाँ तक क्लियर है? आप एग्जाम इज ओवर, इसके बाद क्योंकि एग्जाम ये क्लेट नहीं है कि एग्जाम देके कट ऑफ आ गया, एग्जाम इज ओवर, रिजल्ट नहीं, यहाँ से मेन आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। वाई इट इज सो, आपको अब तीन चीज़ें प्रिपेयर करनी है, वेट राइटिंग एडमिटेड टेस्ट, दूसरा है इंटरव्यू और तीसरा है CV। CV पहली बार आपने सुना है तो ये तो आई थिंक इसके मैं एक सेपरेट वीडियो पे अपलोड करूंगा कि वेट के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं, CV कैसे बनाने, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, तो ये आई ट्राई टू आंसर यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो वेट क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है, हमें सही तरीके से लिखना आना चाहिए वेट इंटर। और एक और चीज़ मैंने लास्ट देखी थी, 51 मार्क्स था या 52 मार्क्स थे बच्चे के, आ गया सिलेक्शन कॉल फॉर इंटरव्यू आ गया था नोएडा से पुणे से, ना उसको पुणे मिला ना नोएडा मिला। दिस शोज कि आपकी CV, आपका वेट, आपका इंटरव्यू कितना मैटर करता है सिम्बोसिस के सिलेक्शन के लिए। क्लियर है? डू नॉट थिंक कि एग्जाम में 50 आ गया तो मेरा SLS पुणे पक्का, नहीं, ऐसे काम तो नहीं करता। 51 मार्क्स वाले बच्चे का भी ना बहुत बार में वेटिंग में हुआ था, आई नो हिम पर्सनली, क्योंकि सिम्बोसिस पुणे में लास्ट ईयर कुछ 190 प्लस बच्चे गए थे जो CMP के थे। सेम अगर आप बात करें ओवरऑल सारे सिम्बोसिस में तो ओवरऑल 500 प्लस बच्चे, 510 प्लस बच्चे सारे कैंपस में मिला के जो CMP से गए थे। तो हैव गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि सारे CVs और सारे हमारे पास हैं, तो वी नो कि कैसे उन्होंने किया था और कैसे आपको करना चाहिए। तो लास्ट सजेशन टू यू इज वेट की प्रिपरेशन अच्छे से करना, CV अच्छे से बनाना, सारे जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं उसमें लिख दो, बट मेक श्योर जो भी चीज़ें आप लिख रहे हो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए पड़ेगा। और थर्ड इंटरव्यू, इंटरव्यू में वैरायटी वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपका कॉमर्स अगर सब्जेक्ट था तो कॉमर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, साइंस था तो साइंस रिलेटेड पूछ लेते हैं, आर्ट था तो आर्ट रिलेटेड पूछ लेते हैं कि थ्योरी बता दो एरिस्टोटल की एंड ऑल, मैंने पूछा है, देखा है, फार ऑफ इकोनॉमिक्स पूछ लेते हैं, जनरल करंट अफेयर में हिजाब बैन, ये बहुत सारी मेजर क्वेश्चन है। आप वाई लो, वाई सिम्बोसिस में BA मिलेगा तो ले लोगे कि नहीं, BB मिलेगा ले लोगे, नोएडा नहीं मिलेगा तो क्या आंसर लोगे, बहुत सारे, अगर टीयर वन मिल रहा है तो क्या सिम्बोसिस, ये बहुत क्वेरी बेसिक क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि फैमिली में लॉ बैकग्राउंड से कोई है या नहीं है, और दिल से कि अगर 12th क्लास के सब्जेक्ट साइंस से तो लॉ क्यों लिया, कॉमर्स था तो लॉ क्यों लिया, बहुत सारे क्वेश्चन। इन सब का हमने क्वेश्चन का एक प्रॉपर कंपैरिजन बना रखा है, हम विल बी शेयरिंग इन द ग्रुप। आई सजेस्ट यू वेट, CV एंड इंटरव्यू, ये तीनों चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल है, इनके प्रिपरेशन के लिए CMP का एक बैच है, मेरे CMP चैंपियन बैच, फीस इज जस्ट फॉर द 999 अराउंड 1000 रुपीज, यू शुड बी एनरोलिंग इन दैट बैच, जहाँ पे विहान हो जाए SLS पुणे का मेंटर, फ्रॉम SLS पुणे एंड आई एम देयर, वी कैन पर्सनली मेंटर यू फॉर योर, उसमें हम आपका मॉक इंटरव्यू लेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, सारे जो मॉक इंटरव्यू हम लेंगे उन सबका एक्सेस आपको मिलेगा, वी लर्न फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स पर। तो पहली चीज़ वो वेट के लिए हम आपको 10 प्लस सैम्पल वेट शेयर करेंगे ग्रुप पे कि कैसे लिखे जाते हैं। मैंने ऑलरेडी जो चैंपियन बैच के बच्चे हैं आपको 15 टॉपिक वेट के हम ऑलरेडी दे दिए हैं, ऐसे हम 10 सेट देंगे तो ऐसे 150 टॉपिक आपको मिल जाएंगे। लास्ट ईयर हमने 120 टॉपिक्स दिए थे वेट के, उसमें से 6 out of 6 टॉपिक उसी में से आए थे। दिस ईयर ऑल्सो दिस इज गोइंग टू हैपन। और फिर आएगी CV की बात, तो आप CV बनाएंगे, आई विल क्रॉस चेक योर CV, आई विल सजेस्ट यू द एडिशन, आई विल सजेस्ट यू द रिमूवल। और वेट तो आप जो भी वेट लिखेंगे डेली, हमें कम 2 से 3 वेट और 4 वेट तक प्रैक्टिस करने हैं, लैपटॉप पे करना, 400 से 600 वर्ड लिमिट रखना, और आप जैसे वेट कंप्लीट करो मुझे भेज देना। आपके जो भी अभी सर्टिफिकेट चाहिए एक बार मुझे भेज दो कि भैया मैं CV में ये चीज़ें ऐड कर रहा हूँ और क्या कर सकता हूँ। अभी भी 20 दिन है, 20 दिन में बहुत सारी चीज़ें एडिशन हो सकती हैं CV में। एक एवरेज CV बहुत अच्छी CV बन सकती है,
देयर आर सम इंटर्नशिप जो कि आप अप्लाई कर सकते हो, 15 दिन की होती है, 1 हफ्ते की होती है, कुछ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, आई डोंट नीड टू नेम द ऑर्गेनाइजेशन, अगर यहाँ बोलूंगा तो सबकी सीवी वही देखेगा, बट आप मुझे डीएम करना अगर सीवी अच्छी नहीं है, आई सजेस्ट यू कुछ इंटर्नशिप या कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें बस ईमेल करो, आई वांट टू इन्हें ईमेल करो, इनका फॉर्म भर दो कि आई वांट टू बी वॉलंटियर इन एसोसिएशन, तो वो आपको इन द कंपनी है जो भी आप भेजोगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए तुरंत ही आप बोलेंगे यस अप्रूव, तो वो ऐड कर देना वॉलंटियर, ठीक है। ऐसे और बहुत सारी चीज़ें होती हैं सीवी में ऐड कर सकते हैं, लास्ट इतने सारे बच्चों को सिलेक्शन कराए हैं तो कुछ तो हमने एडिशनल कराया होगा उनके लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, इफ यू वांट टू जॉइन द सीएमपी चैंपियन बैच विच इज जस्ट फॉर द 1000 रुपीज फॉर द प्रिपरेशन फॉर स्लैट का जो भी सीवी पर्सनल इंटरव्यू एंड वेट प्लस एमएल नागपुर का एजुकेशन कोर्स प्लस एमएससीटी, तीनों से मान लीजिए आपको एसएलएस हैदराबाद मिलेगा तो आई सजेस्ट कि आप एमएससीटी लिखो, एसएलएस नोएडा मिलेगा तो आई से एमएससीटी लिखो, एसएलएस नोएडा में ऑब्वियसली आईएलएस पुणे एसएलएस नोएडा से बेटर होगा, पुणे एसएलएस पुणे ऑब्वियसली बेटर है और बराबर है मैं कहूंगा, है ना। तो कई बच्चे मैंने देखे हैं जो एसएलएस पुणे से जाते हैं आईएलएस, कुछ आईएलएस से एसएलएस, वो चलता रहता है। तो अंडरस्टैंड की कहानी थोड़ी सी अभी आप क्योंकि क्लैट में नहीं हुआ है और हो भी क्या है, TO3 एनएलयू वाले जो सारे बच्चे हैं, इफ़ यू वॉचिंग दिस वीडियो यू शुड डू रियली वेल इन सिम्बोसिस के जो भी आगे वेट PI एंड ऑल होगा, क्योंकि सिम्बोसिस पुणे किसी भी टाइम पे किसी भी TO3 एनएलयू से बेटर है। दिस इज वॉट लास्ट ईयर बच्चों ने TO3 एनएलयू शूट कर एसएलएस पुणे गए थे, दे आर रियली डूइंग प्रीटी वेल, दे और बहुत खुश है वहाँ पे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच, एंड वन रिक्वेस्ट, नीचे जो ग्रुप की लिंक है सिम्बोसिस पुणे के पर्टिकुलरली स्लेट की, जो भी एग्जाम आप देने वाले हैं MSCT सबके लिंक नीचे आप ज्वाइन कर लीजिए, और मेरा नंबर नीचे है 8458892652। कोई भी क्वेरी हो, आप सब मुझे अपनी सीवी तो बना के भेजने वाले हैं, तो मेक श्योर सीवी आप बनाइए और सर्टिफिकेट मैं सैम्पल सीवी ग्रुप पे दिया हुआ है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय। फॉर एनी अदर क्वेरी नीचे आप कमेंट करिए, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद एवरीवन हु इज राइटिंग स्लेट एंड दैट्स इट, एंड हिट द बेल आइकन क्योंकि आगे मैं बहुत सारी वीडियो शेयर करूंगा तो स्लेट के लिए बहुत काम आने वाले हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।